जाति धर्म के नाम पे और बांटते हैं हमको, आपको लड़ाते हैं, वोट लेते हैं और सिस्टम से हमको आपको बाहर रखते हैं। हमारे ही लोग को बांट के, हमारे ही लोग से वोट लेके शासन चला रहे हैं और हमको पंगू बना देते हैं। इन्होंने धर्म का भीम जो बोल दिया है कि राम नाम लीजिए, समाज सुधार कीजिए, मुसलमान यादव कीजिए, कोई रिपोहार कीजिए और इनको ऊपर नीचे करके बांटिए। जब वोट के समय आता है तो इन्होंने वो भी सीधे भी बांट दिया है कि यादव है तो ये पटेल है, तो ये आगरा है तो ये पिछड़ा है। हमारे ही लोग को बांट के, हमारे ही लोग से वोट लेके शासन चला रहे हैं और हमको पंगू बना देते हैं। वर्तमान में ऐसा कोई भी नहीं ओबीसी का नेता है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके। एक ही नेता थे हमारे नीतीश बाबू जो गठबंधन के मुखिया बनने वाले थे, लेकिन कांग्रेस की ऐसी संस्कारी नीति थी कि अगर एक पिछड़ा नेतृत्व करेगा तो राहुल गांधी जी क्या करेंगे। राहुल गांधी जी में जो योग्यता नहीं है, जो माननीय लालू प्रसाद यादव में, स्टालिन साहब में, शरद पवार जी में, नीतीश कुमार जी में है, लेकिन इनकी जो एक पॉलिसी है कि इन लोगों को हम साथ में लेके इनकी वोट लेके अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन इनको नेतृत्व नहीं करने देंगे। यही गठबंधन में नीतीश बाबू को लगा कि नहीं, हमको लगता है कि इस गठबंधन में जो हम बात कर रहे हैं हमें भागीदारी उसी हिसाब से नहीं मिला। पता नहीं बीच में आरजेडी और जदयू क्या हुआ, इन्होंने सरकार तोड़ दिया। लेकिन सबसे बेसिक बात है कि हम जुडिशियरी की बात करते हैं, जब हमारे देश में ऑल इंडिया स्तर पर यूपीएससी की एग्जाम होती है उसमें रिजर्वेशन है तो जुडिशियरी में क्यों नहीं हो सकता है। जब आईएएस में सबसे प्रतिष्ठित बच्चे चुने जाते हैं, अब तो मान लीजिए पहले जो तमगा देते थे कि जो लोग रिजर्वेशन से आए हैं अच्छे से काम नहीं करते हैं, अब तो जनरल क्लास EWS की भी रिजर्वेशन हो गई है, अब तो होल सभी लोगों की रिजर्वेशन है। तो आप इन लोगों की बात को समझिए कि चोट कहाँ करते हैं, जाति धर्म के नाम पे और बांटते हैं हमको, आपको लड़ाते हैं, वोट लेते हैं और सिस्टम से हमको आपको बाहर रखते हैं। क्योंकि जब हम आप सिस्टम में रहेंगे तो बाबा साहब का जो अम्बेडकरवादी विजन है वो पूरा हो जाएगा। आखिर इनके लोग अभी EWS से आ रहे हैं तो इनके तो OBC से भी, हम IAS में जाके देखिए OBC से भी कम कटअप जा रहा है। एक रिपोर्ट है कि जो IAS का इंटरव्यू होता है उसमें OBC के बच्चों को 60 से 65 नंबर दिया जाता है और जो जनरल के बच्चे होते हैं उनको 70 से 71% दिया जाता है, जो SC ST के बच्चे हैं उनको 65 से 60% दिया जाता है। एक इनकी सरकारी नीति है कि जो लोग OBC में हैं उनको OBC में रखें, जो जनरल में हैं उनको जनरल में रखें, जो SC ST में SC ST में रखें। हाँ, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा नंबर जरूर देते हैं, लेकिन हमारे आबादी 85% को ये 50% के अंदर ही रखते हैं। कई प्रदेश में आप देखे होंगे कि वहाँ के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई यहाँ 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कैसे देंगे, क्योंकि वहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं हुई है। लेकिन वहाँ की सरकार जो BJP जो है वो जातिगत जनगणना नहीं कराती है। बिहार में जातिगत जनगणना हुआ और यहाँ पे 10% रिजर्वेशन बढ़ाया भी गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम लोग संगठित जब तक नहीं रहेंगे, शिक्षित होकर भी हम कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हमें जाति धर्म की बात को छोड़ के सबको संगठित होकर, सबको मिला के बेटी रोटी के संबंध बना के आगे लड़ना है और जन की फतेह करना है। हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि आगे से बोला जा रहा है, समय कम है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। बहुत ही जोरदार शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने